हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सब। आई होप कि बहुत ही मस्त होंगे। तो आज तुम्हारा भाई सिखाने वाला कुछ इस टाइप का ना, पूरी ट्रेंडिंग फोटो एडिटिंग, वो भी रिमनी एप्लीकेशन की मदद से, वो भी जस्ट वन क्लिक में, जो कि पूरे यूट्यूब पर अभी तक आप लोग को कोई सही से बताया नहीं होगा। तो आप लोग को करना क्या है, वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक वॉच करना है बिना किसी स्किप के। और चैनल में पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि एडिटिंग से रिलेटेड कोई भी वीडियो अपलोड करें तो वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोग तक पहुँचे। तो चलो लोग स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो सबसे पहले तो आप लोग को दिखा दे रहे हैं इसका ओरिजिनल फोटो। तो फाइनली फ्रेंड देख ही सकते हैं कि नहीं, ब्लैक एंड बेकार सा दिख रहा है। और हम लोग का ये देख सकते हैं ओरिजिनल फोटो, कितना ही खतरनाक तरह से हम लोग का जो है एडिटिंग हुआ, वो भी रिमनी एप्लीकेशन की मदद से। तो आप लोग को करना क्या है फ्रेंड, सबसे पहले तो आप लोग अपना ओरिजिनल फोटो को आप लोग सेलेक्ट कर दीजिएगा और इसको शेयर करके लेके चलना है रिमनी एप्लीकेशन में। तो आप लोग सबसे पहले तो आप लोग अपना डाटा ऑन कर लीजिएगा, क्योंकि डाटा से ही चलता है। तो आप लोग इसको शेयर करके लेके चलना है रिमनी एप्लीकेशन में। फ्रेंड देख ही सकते हैं, तो आप लोग को यहाँ पर देखने को मिल जाएगा ऊपर की साइड कॉर्नर में कट वाला ऑप्शन, जैसे कि देख ही सकते हैं आप लोग को मार्क मार्क के दिखा दे रहे हैं, तो उस पर आप लोग को क्लिक कर देना है। तो थोड़ा सा आप लोग देख सकते हैं, आप लोग को सामने कुछ इस टाइप से इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। तो आप लोग को क्या करना फ्रेंड, आप लोग को यहाँ पर देखने को मिल जाएगा एनहेंस वाला ऑप्शन, तो जैसे कि देख ही सकते हैं आप लोग को मार्क मार्क के दिखा दे रहे हैं, तो उस पर आप लोग को क्लिक कर देना है। तो थोड़ा सा प्रोसेसिंग लेगा, तो आप लोग वेट कर लीजिएगा। फाइनली फ्रेंड देख ही सकते हैं हम लोग का कितना ही खतरनाक तरह से, जस्ट वन क्लिक में कितना ही खतरनाक तरह से हम लोग का जो है फेस क्वालिटी जो है आ चुका है। तो ये देख सकते हैं हम लोग का बिफोर और आफ्टर, ये देख सकते हैं हम लोग का बिफोर एंड आफ्टर। तो काफ़ी ज़्यादा हम लोग को फोटो में जो है क्वालिटी जो है आ चुका है। तो फाइनली इतना कर लेने के बाद क्या करना फ्रेंड, आप लोग को यहाँ पर देखने को मिल जाएगा नीचे की साइड फर्स्ट नंबर में, जैसे कि देख ही सकते हैं आप लोग को मार्क मार के दिखा दे रहे हैं, और बैकग्राउंड ब्लर का ऑप्शन जैसे कि देख ही सकते हैं, तो उस पर आप लोग को टैप कर देना है। तो थोड़ा सा वेट कर लेना आप लोग को, तो आप लोग को थोड़ा सा ऐड चलेगा, तो आप लोग ऐड को स्किप कर लेना है। तो फाइनली फ्रेंड यहाँ पर देख ही सकते हैं, जो आप लोग को जितना क्वालिटी में आप लोग ब्लर रखना चाहे उतना आप लोग कर लीजिएगा। देख ही सकते हैं यहाँ पर मीडियम हाई क्वालिटी लो, तो आप लोग को यहाँ पर जो भी आप लोग का रखना है उसको आप लोग सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो हम लोग आप लो में ही सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद आप लोग को यहाँ पर देखने को मिल जाएगा नीचे की साइड राइट वाला ऑप्शन, जैसे कि देख ही सकते हैं आप लोग को मार्क मार के दिखा दे रहे हैं, तो उस पर आप लोग को क्लिक कर देना है। तो फाइनली फ्रेंड देख ही सकते हैं हम लोग का जो फोटो है कितना ही खतरनाक तरह से ब्लर जो है हो रहा है, ये देख सकते हैं हम लोग का बिफोर एंड आफ्टर। तो फाइनली फ्रेंड आप लोग भी इस टाइप से कुछ कर लीजिएगा। तो फाइनली इतना कर लेने के बाद क्या करना फ्रेंड, आप लोग को यहाँ पर देखने को मिल जाएगा ऊपर की साइड सेव वाला ऑप्शन, तो उस पर आप लोग को क्लिक कर देना है। उसके बाद आप लोग को यहाँ पर देखने को मिल जाएगा फिर से सेव वाला ऑप्शन, तो उस पर आप लोग को ही क्लिक कर देना है। तो यहाँ भी थोड़ा सा ऐड चलेगा, तो आप लोग स्किप कर लीजिएगा तो फिर वॉच कर लीजिएगा। तो फाइनली फ्रेंड देख ही सकते हैं, तो आप लोग के सामने कुछ इस टाइप से कट वाला ऑप्शन, जैसे कि देख ही सकते हैं जैसे भी आप लोग ऐड को वॉच करेंगे उसके बाद आप लोग को सामने यहाँ पर कट वाला ऑप्शन आ जाएगा, तो आप लोग उस पर आप लोग को क्लिक कर देना है। तो फाइनली इतना कर लेने के बाद क्या करना फ्रेंड, आप लोग को थोड़ा सा वेट कर लेना है। उसके बाद आप लोग को यहाँ पर देखने को मिल जाएगा शेयर वाला ऑप्शन, जैसे कि देख ही सकते हैं ऊपर की साइड देख ही सकते हैं आप लोग को यहाँ पर देखने को मिल जाएगा डाउनलोड वाला ऑप्शन, डन वाला ऑप्शन, तो उस पर आप लोग को क्लिक कर देना है। तो फाइनली फ्रेंड हम लोग का जो फोटो है वो सेव हो चुका है। तो फाइनली इतना कर लेने के बाद क्या करना फ्रेंड, आप लोग को पूरा बीच वाले से यहाँ से काट देना है। उसके बाद फिर से आ जाना अपना गैलरी में, और जिस भी फोटो को अभी हम लोग रिमनी एप्लीकेशन से एनहेंस किए हैं उस फोटो को आप लोग को ढूंढ लेना है। तो फाइनली फ्रेंड देख ही सकते हैं हम लोग का यही वाला फोटो है। तो इस वाले फोटो को क्वालिटी देख ही सकते हैं कितना ही खतरनाक तरह से हम लोग का जो है फेस पे स्मूथ हुआ है और क्वालिटी भी आया। तो फाइनली इतना कर लेने के बाद क्या करना फ्रेंड, आप लोग को इसको शेयर करके लेके चलना है लाइटरूम एप्लीकेशन में। तो थोड़ा सा वेट कर लेना आप लोग को। तो फाइनली फ्रेंड देख ही सकते हैं हम लोग का जो फोटो है वो लेटर एप्लीकेशन में जा चुका है। तो फाइनली इतना कर लेने के बाद क्या करना फ्रेंड, आप लोग को पूरा बीच वाले से यहाँ से काट देना है। उसके बाद अपना लेटर एप्लीकेशन में आ जाना आप लोग को।
तो फाइनली प्लान देख ही सकते हैं आप लोग। लेटरूम एप्लीकेशन में आ जाने के बाद क्या करना प्लान आप लोग को यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, ऑल फोटो का ऑप्शन, तो उस पर आप लोग को क्लिक कर देना है। तो फाइनली लेटरूम एप्लीकेशन में आ जाने के बाद क्या करना प्लान आप लोग को, तो फाइनली प्लान देख ही सकते हैं हम लोग का जो फोटो है वो लेटरूम एप्लीकेशन में आ चुका है। तो फाइनली लेटरूम एप्लीकेशन में आ जाने के बाद क्या करना प्लान आप लोग को, तो फाइनली प्लान देख ही सकते हैं तुम्हारा भाई का कितना ही खतरनाक खतरनाक तरह से फोटो जो है वो एडिटिंग हुआ है। तो सबसे पहले तो क्या करना फ्रेंड, सबसे पहले तो आप लोग को यहाँ पर देखने को मिल जाएगा आप लोग को एक ठो प्रीसेट, इस प्रीसेट का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, से जाके डाउनलोड कर लीजिएगा आप लोग। तो ये वाला प्रीसेट आप लोग को सेलेक्ट कर लेना है। तो फाइनली वाला ये वाला प्रीसेट सेलेक्ट कर लेने के बाद क्या करना फ्रेंड आप लोग को यहाँ पर देखने को मिल जाएगा ऊपर की सेट कॉर्नर में थ्री डॉट का आइकन, तो उस पर आप लोग को क्लिक कर देना है। उसके बाद आप लोग को यहाँ पर देखने को मिल जाएगा कॉपी सेटिंग का ऑप्शन, जैसे कि देख ही सकते हैं आप लोग को मार्क मार के दिखा दे रहे हैं, तो उस पर आप लोग को क्लिक कर देना है। उसके बाद आप लोग को यहाँ पर देखने को मिल जाएगा ज्योमेट्री मास्किंग हिल क्रॉप को छोड़ देना है। उसके बाद आप लोग को यहाँ पर देखने को मिल जाएगा राइट वाला ऑप्शन, तो बीसों पे तीनों पे टिक करके राइट वाले पे क्लिक कर देना है। तो फाइनली इतना कर लेने के बाद क्या करना फ्रेंड आप लोग को यहाँ पर देखने को मिल जाएगा ऊपर की साइड कॉर्नर में एरो का ऑप्शन, तो उस पर आप लोग को क्लिक कर देना है। उसके बाद जिस भी फोटो को भी हम लोग लेटरूम एप्लीकेशन में शेयर किए हैं उस फोटो को आप लोग को सेलेक्ट कर लेना है। तो फाइनली फ्रेंड देख ही सकते हैं हम लोग का यही वाला फोटो था, तो हम लोग इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद आप लोग को फिर से आ जाना है थ्री डॉट वाले आइकॉन पर। उसके बाद आप लोग को यहाँ पर देखने को मिल जाएगा पेज सेटिंग का ऑप्शन, तो उस पर आप लोग को क्लिक कर देना है। तो फाइनली फ्रेंड देख ही सकते हैं हम लोग का जो फोटो है एक ही क्लिक में कितना ही खतरनाक तरह से बैकग्राउंड का कलर जो है वो चेंज हो चुका है। तो ये देख सकते हैं हम लोग का ओरिजिनल फोटो बिफोर एंड आफ्टर, तो पहले से काफ़ी ज़्यादा हम लोग को फोटो में चेंजिंग आ चुका है। तो फाइनली इतना कर लेने के बाद क्या करना फ्रेंड आप लोग को यहाँ पर देखने को मिल जाएगा शेयर वाला ऑप्शन, तो उस पर आप लोग को क्लिक कर देना है। उसके बाद आप लोग को यहाँ पर देखने को मिल जाएगा फिर से शेयर वाला ऑप्शन, तो उस पर आप लोग को क्लिक करना है और इसको शेयर करके लेके चलना है फोटो रूम एप्लीकेशन में। तो अगर आप लोग के पास नहीं होगा तो प्ले स्टोर में जाके सर्च कर लीजिएगा, तो आप लोग को मिल जाएगा। तो फाइनली फ्रेंड देख सकते हैं हम लोग का जो फोटो है वो फोटो रूम एप्लीकेशन में शेयर हो चुका है। तो आप लोग भी कुछ स्टेप से कर लीजिएगा, तो आप लोग के सामने कुछ स्टेप से इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। तो आप लोग थोड़ा सा वेट कर लीजिएगा। तो फाइनली फ्रेंड अगर आप लोग का भी फोटो रूम अपडेट नहीं होगा तो अपडेट कर लेना, वरना यहाँ से कट वाले पे क्लिक कर देना। तो फाइनली फ्रेंड देख ही सकते हैं आप लोग के सामने भी कुछ स्टेप से इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। तो आप लोग को क्या करना फ्रेंड आप लोग को थोड़ा ऊपर की साइड स्क्रॉल करना है, आप लोग को यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, जैसे कि देख ही सकते हैं आप लोग को मार्क मार के दिखा दे रहे हैं ब्लर का ऑप्शन, तो उस पर आप लोग को क्लिक कर देना है। तो फाइनली फ्रेंड इतना कर लेने के बाद क्या करना फ्रेंड आप लोग को यहाँ पर देखने को मिल जाएगा आप लोग को लेयर वाला ऑप्शन, तो उस पर आप लोग को क्लिक करना है। जैसे कि देख ही सकते हैं आप लोग को मार्क मार के दिखा दे रहे हैं, तो आप लोग को लेयर वाले पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आप लोग को यहाँ पर देखने को मिल जाएगा बैकग्राउंड वाला ऑप्शन, तो उस पर आप लोग को क्लिक करना है। उसके बाद आप लोग को यहाँ पर देखने को मिल जाएगा एडजस्ट वाला ऑप्शन, तो उस पर आप लोग को क्लिक कर देना है। उसके बाद आप लोग को यहाँ पर देखने को मिल जाएगा सैचुरेशन का ऑप्शन, जैसे कि देख ही सकते हैं, तो उस पर आप लोग को क्लिक कर देना है, इसको पूरा फुल कर देना है। तो उसके बाद आप लोग को यहाँ पर देखने को मिल जाएगा नीचे की साइड यू का ऑप्शन, तो उस पर आप लोग को क्लिक कर देना है। इसको बड़ा घटा के देख लेना है, इसमें कलर चेंज होता है, तो आप लोग को जिस भी कलर को रखना है उस कलर को आप लोग सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो फाइनली फ्रेंड हम लोग का तो यही कलर है थंबनेल में, तो हम लोग इसी को रख लेते हैं। तो फाइनली फ्रेंड इतना कर लेने के बाद क्या करना फ्रेंड आप लोग को यहाँ पर देखने को मिल जाएगा शेयर वाला ऑप्शन, तो उस पर आप लोग को क्लिक कर देना है। उसके बाद आप लोग को यहाँ पर फिर से देखने को मिल जाएगा नीचे की साइड शेयर वाला ऑप्शन, तो उस पर आप लोग को क्लिक कर देना है, जिसको शेयर करके लेके चलना है स्नैपसीड एप्लीकेशन में। तो फाइनली फ्रेंड देख ही सकते हैं हम लोग का जो फोटो है वो स्नैपसीड एप्लीकेशन में आ चुका है। तो फाइनली फ्रेंड देख ही सकते हैं हम लोग का जो फोटो रूम का लोगो था वो भी हम लोग का आ चुका है। तो सबसे पहले तो हम लोग उसको रिमूव करेंगे, तो उसके लिए क्या करेंगे फ्रेंड, सबसे पहले तो आप लोग को यहाँ पर देखने को मिल जाएगा नीचे की साइड देख ही सकते हैं आप लोग को टूल्स का ऑप्शन, तो उस पर आप लोग को क्लिक करना है। उसके बाद आप लोग को यहाँ पर देखने को मिल जाएगा आप लोग को हीलिंग का ऑप्शन, जैसे कि देख ही सकते हैं आप लोग को मार्क मार्क दिखा दे रहे हैं, तो उस पर आप लोग को क्लिक कर देना है। उसके बाद दोनों फिंगर से जूम करके कुछ इस टाइप से आप लोग को चला लेना है, जहाँ आप लोग का लोगो है कुछ इस टाइप से ड्रॉ कर लीजिएगा। तो फाइनली फ्रेंड देख ही सकते हैं कितना ही खतरनाक तरह से जो है लोगो हम लोग का रिमूव हो रहा है, तो आप लोग भी कुछ इस टाइप से रिमूव कर लीजिएगा।
तो फाइनली फ्रेंड देख ही सकते हैं हम लोग का जो है लोगो कितना ही खतरनाक तरह से रिमूव हो चुका है। तो फाइनली इतना कर लेने के बाद क्या करना फ्रेंड आप लोग को, यहाँ पर देखने को मिल जाएगी नीचे की साइड राइट वाला ऑप्शन, तो उस पर आप लोग को क्लिक कर देना है। उसके बाद आप लोग को फिर से आ जाना है टूल्स वाले ऑप्शन पर, जैसे कि देख ही सकते हैं मार्क मार्क दिखा दे रहे हैं। तो आप लोग को यहाँ पर देखने को मिल जाएगा ऊपर की साइड डिटेल्स का ऑप्शन, तो उस पर आप लोग को क्लिक करना है। उसके बाद आप लोग को सेचुरेशन को कुछ बढ़ा देना है 50 के आसपास, और शार्पनिंग को भी बढ़ा देना है कुछ 25 के आसपास, इसको भी रख देना है। तो फाइनली फ्रेंड इतना कर लेने के बाद क्या करना फ्रेंड आप लोग को, यहाँ पर देखने को मिल जाएगा नीचे की साइड राइट वाला ऑप्शन, तो उस पर आप लोग को क्लिक कर देना है। उसके बाद ऊपर की साइड देख सकते हैं आप लोग को, यहाँ पर देखने को मिल जाएगा शेयर वाला ऑप्शन, तो उस पर आप लोग को क्लिक कर देना है। तो फाइनली फ्रेंड इतना कर लेने के बाद क्या करना फ्रेंड आप लोग को, यहाँ पर देखने को मिल जाएगा नीचे की साइड फोटो अपलोड टू वाले पे आप लोग को क्लिक कर देना है। तो फाइनली फ्रेंड इतना कर लेने के बाद क्या करना फ्रेंड आप लोग को, यहाँ पर देखने को मिल जाएगा नीचे की साइड अपलोड वाला ऑप्शन, तो उस पर आप लोग को क्लिक कर देना है। तो अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर कर देना, ताकि मैं और भी इस तरह का वीडियो लाता रहूँ। तो आज के लिए नहीं मिलते किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।